उमता एटले जेनी उत्तम मता, मता एटले बुद्धि ते उमता। उमता गाम ऐतिहासिक रीते आश्रे पहली सदी आसपास बनेलू, जेनु पुराणु नाम उत्तम के उम्मटनगर होई शके। गाम आर्थिक तथा कला स्थापत्य रीते खूबज संपन्न अने समृद्ध हतु। तेना व्यापारिक संबंधों आनर्थपुर हालनु वडनगर, मोडासा, आशापुर हालनु असारवा, सिद्धपुर, प्रभास पाटण, लोथल, वल्लभपुर, खंभात जेवा शहरों साथे विकसा हता। त्रीजी चौथी सदी में सनातन धर्मनी साथे साथे बुद्ध अने जैन धर्मनो भारतवर्ष पर खासो एवो प्रभाव हतो। तेवामा बुद्धिजमनो प्रभाव घटतो गयो अने जैनिजमनो प्रचार प्रसार खूबज थयो, जे बिहार थी उत्तर प्रदेश थी गुजरात में खूबज प्रभाविक रूप थी थयो। त्यारे आ अरसामा श्वेतांबर दिगंबर जेवा पंथ नहोता। ईस्वीसन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी राजस्थानना चित्तौड़गढ़ थी मोडासा पर मोडासाना ठाकुर राजा ने हरावी मोडासा जीती लीधो। बीजी बाजू अलाउद्दीन खिलजीना समर्थ तिलक खान अने नुसरत खान उत्तर गुजरात तरफ चढ़ाई करवा आव्या अने सिद्धपुर अने पाटण पर चढ़ाई करी ध्वस्त करी अनेक मंदिरों तोड़ीने तबाह कर्या। त्यारबाद उमता एटले के उम्मट नगर पर आक्रमण करवा निकळ्या तेवा समाचार राजा तथा जैन सृष्टिओ अने गाम लोकोने मळ्या अने बधा भेगा थईने भव्य अने सांस्कृतिक रीते उत्तम मंदिर परिसरमांथी मूर्तिओ अने अलंकारो अन्यत्र खसेड़वामां आव्या अने मंदिरने यथास्थिति छोड़ीने बीजी जग्याए जता रह्या। त्यारबाद विधर्मीओ आक्रमण करवा आवी पहुंचा अने मूर्तियों वगरना मंदिर ने ध्वस्त कर्यु अने खंडेर बनाव्यु। आक्रमणकारियों गया पछी गाम लोको गाम तरफ परत आवीने जोयु तो खंडित मंदिरना अवशेषो जोई दुखी थया। आवा विधर्मियोना वारंवार आक्रमणना डरथी पुनः निर्माण ना कर्यु अने विचार्यु के आ मंदिरमांथी अन्यत्र खसेड़ी लेवामां आवेल मूर्तिओ घरेणा पाछा लावीने पूजा पद्धतिथी फरीथी ते जग्याए स्थापित कर्या अने ईंटो चूनाना चणतरथी दीवालो करी आजूबाजूना विस्तारमांथी माटी लावी गाम लोकोए अथाग मेहनत करीने बचेला खंडित मंदिरने ढांकी दीधुं। आना पुरावा रूपे आजे पण उमता गाममां ऊंचाण नीचाणवाळा विस्तारो जोवा मळे छे अने ज्यां टिंबो हतो त्यां सहकारी मंडळीना मकान माटे खोदकाम करता आ टिंबानी एक साइड खोदता आखू खंडित जैन मंदिर निकळ्यु हतु, जे टिंबाने लोको कोट तरीके ओळखता। त्यारबाद वर्षो सुधी उमता लोकोना स्मरणमांथी विसराई गयु। आश्रे 14मी-15मी सदीमां आ टिंबा पर उम्मटसिंह नामना राजपूत राजा राजगढ़ी बनावी राज करता हता अने राज्य वहीवटमां कुशळ होवाथी आ राजवीए फरीथी उमताने एक उत्तम नगर बनावी दीधु। तेवा समये उम्मटसिंह राजाना धर्मपत्नी फूल कुंवरबानी कुखे अत्यंत तेजस्वी राजकुमारीनो जन्म थयो अने पंडितोक्त विधिथी तेमनुं नाम बळवंती राखवामां आव्युं। बाळकुंवरी बळवंती राजपूतना दीकरी होवाथी शौर्य अने वीरत्व तो तेमनामां भारोभार होय ज ने। त्यारबाद राजकुंवरोमां वीरसिंह अने माकुसिंहनो जन्म थयो। समयचक्र अविरत फर्या करतुं हतुं। नवा इतिहासनું સર્જન કરવા આ સમયે ગુજરાતમાં મોહમ્મદ બેગડાનું રાજ હતું। તે અત્યંત ક્રૂર અને અત્યાચારી વિસ્તારવાદી મલેચ્છ બાદશાહ આનર્થ પ્રદેશ પર ચઢાઈ કરવા આવ્યો। તેણે મોડાસા, ઈડર, વલાસણા થઈ વડનગર ઉમતા પર વિશાળ સૈન્યબળથી આક્રમણ કર્યું। ત્યારે આ ઉમતાનું નાનું રજવાડું આ વિશાળ ક્રૂર સેના સામે ક્યાંથી ટકી શકે? છતાં વટ, વચન અને શૌર્ય માટે જાણીતા ઉમતાના રાજવી ઉમટસિંહે વીરતાપૂર્વક સામનો કર્યો અને લડતા લડતા શહીદ થયા અને બંને રાજકુંવરો વીરસિંહ અને માકુસિંહ પણ આ યુદ્ધમાં વીરગતિ પામ્યા, જેના સાક્ષીરૂપે આજે પણ
जासका गामना रस्ते वीर महाराज नु मंदिर ज्या वीरसिंह शहीद थया ते स्थानक छे अने ज्या गाम वच्चे माकुसी हणाया त्या माकड़िया वीरनु हाल मंदिर छे त्या तेमना पाड़िया पूजाय छे। आ युद्ध मा राजकुवरी बळवंतीए पण खूब वीरतापूर्वक सामनो करेलो, अनेक सैनिकों हण्या, तेनी तलवार थी अनेकोना माथा धड़थी अलग करी विधर्मियोथी मातृभूमिनी रक्षा करवा खूब लड़या, घायल थया। एवी लोकवायका छे के राजकुमारी बळवंती विधर्मियोथी बचवा माटे हालनु ज्यां स्थानक छे त्यां वणझारानी पोठो पड़ी हती अने त्यां कुवरी बळवंतीए आवीने शरण माग्यु, जेथी तेमना कुळदेवी क्षेम करी जे खंभलाई माता तरीके ओळखाय छे ते वणझारी बाईना स्वरूपे आवीने तेमनी रक्षा करवा सुडला नीचे संताड़ी दीधा। पाछळ पड़ेला विधर्मियो त्यां आव्या, वणझारी बाईने घायल बळवंतीनी पूछपरछ करी अने एक सैनिकनी नजर सुडला पर पड़ी अने सुडलो हटावीने जोता त्यां फूलोनो ढगलो हतो। कुळदेवी खंभलाई माताजीए फूलोरूपी माँ बळवंतीने बाजूनी तलावड़ीमां पधरावी मोक्ष गति करावी। आम माँ बळवंती देवी तरीके पूजाया। समय जता श्री बळवंती माताजी 19मी सदीमां भगत वस्ता कुंभारने परचो आप्यो अने स्वप्नामां माताजीए दर्शन आप्या अने कह्युं के भगत, हूँ आ गामनी देवी बळवंती, हूँ प्रगट थवा मांगू छूं, तू मारू मंदिर बनावीने मारी स्थापना करजे। अने भगतने एधाणी आपी के सवारे तारा आंगणानो चाकड़ो जो स्वयं फरे तो मने मानजे। अने वस्ता भगते सवारे उठीने जोयू तो स्वप्ननी वात साची पड़ी। भगत खूब ज खुश थया अने तेमणे माताजीना देवळनी स्थापना करी। माताजीए आ वस्ता भगत थकी घणा परचा पूर्या छे। तेवामानो एक परचो पाटीदार मुखीशंकर चेहूजी दादाने पण आपेलो के तू मने मानतो नथी, पण तू घरे जा, तारा घरे ताळू छे अने ए ताळू एनी मेळे खुली जशे, बारणा पण खुली जशे अने अंदर अखंड दीवो बढ़तो हशे, तो तू मने मानजे। त्यारबाद मुखीए घरे जईने जोयू तो साचे ज दीवो बढ़तो हतो। आम तेओ माताजीना परम भक्त बनी गया। आवा अनेक परचाओ बळवंती माताजीए पूर्या छे। तेमनी यादमां आजे पण नवरात्रीनी चौदशे तेमना गरबा निकळे छे, जे सारा पंथकमां प्रख्यात छे अने लोको श्रद्धाथी श्री बळवंती माताजीनी भक्ति करे छे। तेमनी कृपाथी गाम समृद्ध अने सुखी छे। गाममां दाताओना दानथी गामनो अनेक गणो विकास थयो छे, जेमां अद्यतन हाईस्कूल, आईटीआईमां आधुनिक शिक्षण आपी गामना बाळकोने उत्तम शिक्षण पूरू पाड्यू छे, तथा गाममां सेवा कार्यो थकी आखा पंथकमां उमतामां आवेल अपनागर जेवी सेवा प्रवृत्तिथी अनाथ, मंदबुद्धि तेमज रोगिष्ट प्रभुजीवीओनी सेवा कार्य थाय छे, जे मानवता अने करुणानो उत्तम दाखलो गामना सेवाभावी दाताओ द्वारा पूरो पाड़वामां आव्यो छे। गामना अग्रणी अने निस्वार्थ सेवा आपता उद्योगपतिओथी गाममां अनेक विकासना कामो थाय छे, जे बळवंती माताजीनी कृपा अने आशीर्वादथी ज शक्य बन्यु छे।